हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम भरमा भिंडी। आपने वैसे भिंडी तो खाई होंगी कटी हुई, आज बना के देखिए भरमा भिंडी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये हमने यहाँ पे भिंडी जो है धो के और इसके आगे पीछे का साइड काट लिया है, ठीक है। हमने सारे साइज काट लिए हैं, अब काटेंगे हम इस तरह से चाकू के जरिए से, हम बीच में से इसको कट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है सारी भिंडी बीच में से कट कर ली है। अब इसका क्या है, हम इसको रख देंगे थोड़ी देर पंखे की हवा में, ठीक है। अब हम करेंगे मसाले तैयार। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले पहले से ही निकाल चुके हैं। तो यह है धनिया पाउडर, 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर निकाला है, 1 चम्मच मिर्च लाल मिर्च, हल्दी, हींग, नमक अनुसार, स्वाद अनुसार और गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डाला है तेल और इसमें डालेंगे हम साबुत धनिया। ये जो हमारा हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम मसाले, थोड़ा पानी मिक्स करके मसाले में डाल देंगे। मसाला अच्छा भून के तैयार हो गया हमारा यहाँ पे। अब मसाला जो है छू के देख लेंगे, हम पहले से ठंडा कर लेंगे, ठीक है। अब इसे मसाला ठंडा करने के बाद हम भरेंगे भिंडियों में। ये भिंडी हमारी कटी हुई है, इसके अंदर हम मसाला भर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें मसाला भरना है, एक एक करके सारी हम भिंडियों को भर लेंगे। अगर हमारी भिंडी इस तरह से टूट जाए तो कोई टेंशन नहीं है, इस भिंडी को बीच में भरना है और साइडों से दोनों तरफ को चिपका देना है, चिपक जाएगी आसानी से। और ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, कम ही भरना। हमारे भिंडियों में मसाला थोड़ा कम ही ठीक लगता है ना। भिंडी हमारी, ये सारे मसाला भर चुका है भिंडियों का। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई रखी है गैस पे, हाई फ्लेम पर ही, और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अगर आपको 1 गिलास पानी ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, वरना भिंडी तो है इसमें ही गलेंगी। अब पानी हम खोला जाके पानी में तभी हम भिंडी डालेंगे। हमारी भिंडी में खोल आ चुकी है, गैस को हम हल्की कर देंगे और सारी भिंडियाँ एक एक करके हम डाल देंगे। ये जो है हल्की ही आंच पे रखनी है, तेज आंच पे ही रखनी है, तो एकदम पकेंगे भी नहीं और लग जाएंगे बीच में। इसलिए आप हल्की आँच में बनाओगे तो ये आसानी से अच्छी से गल जाएंगी और इसका जो अंदर का मसाला है वो भी नहीं निकलेगा बाहर को हल्की आंच में, क्योंकि अगर तेज होगी तो ये ज़रूर निकलेगा। तेज की खोल आएगी तो मसाला ज़्यादा बाहर निकल आएगा, इसलिए आप इसको हल्की आंच में बनाना। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें लगेंगे भी नहीं और पक भी अच्छे से जाएंगे। लोहे की कढ़ाई में तो लग जाएंगी। मैंने इस तरह सारी भिंडी डाल चुकी हैं एक करके और इसको हम बंद कर देंगे सारी भिंडी को डाल कर। देखिए इस तरह से हमारा ये मसाला हल्की हल्की आँच में हो रहा है, पर आपको उसको बिल्कुल भी नहीं चलाना। ये हमारी भिंडियाँ गल चुकी हैं, मसाला थोड़ा बहुत निकला है पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको।